के सिविल इंजीनियर्स के लिए चैलेंज है। यदि हम 250 ईयर्स ओल्ड रोमन टोम को देखें, विच इज मेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड थिक ब्रिक एग्रीगेट्स, ये सभी टोम अपने जगह पर स्थित है 2050 बरस से विदाउट एनी मच डिसइंटीग्रेशन। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। कंक्रीट स्ट्रक्चर बनते ही उसमें तरह तरह के डिसइंटीग्रेशन हो जाते हैं, कंक्रीट के परत खराब होकर के झड़ने लगते हैं, इसमें क्रैक्स हो जाते हैं और कभी कभी हैवी कभी अर्थक्वेक वगैरह के कारण गिर भी जाते हैं। बट यदि हम रोमन स्ट्रक्चर्स को देखें तो इस तरह की इसमें उस तरह की कोई घटनाएं नजर नहीं आ रही है इसके कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पर। टॉम्स आर स्टील इन वेरी गुड शेप। एक अमेरिकन जर्नल ऑफ सिरेमिक इंजीनियर्स के शोध में वैज्ञानिकों ने यह कई तरह की इसमें आश्चर्यजनक चीजें प्राप्त किया है कि ये जितने रोमन स्ट्रक्चर्स है जो हजारों साल से टिके हुए हैं, रिसर्च वैज्ञानिकों ने पाया है कि उनके जो एग्रीगेट थे उसमें लाइम और वोल्केनिक टेफ्रा जो कि पोरस फ्रेगमेंट ऑफ ग्लास एंड क्रिस्टल आते हैं जो कि एक्सप्लोशन के कारण जो अल्बर्टा से मिलती है, तो ये सभी को मिक्स करके जो बनाए हुए हैं और दूसरे तरह की भी एडमिक्सचर यूज किए हुए हैं जो कि रिसर्च की विषय है, जो कि ये हजारों साल से टिके हुए हैं। तो इसकी जो भी रिसर्च में आएगी वैज्ञानिक के लिए चैलेंज है वैज्ञानिक के लिए और आगे के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, दिस इज विल गिव यू चैलेंजेबल सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल्स। वॉच मोर टू नो। थैंक यू। Thank you.